शिवा का प्रणाम स्वीकार करें। हे आदि आदिशंकर, मैंने तुम्हारा निर्माण नहीं किया, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। मेरा तुम्हारा अस्तित्व तो साथ ही का है। तुम मुझ में हो और मैं तुम में। तुम्हारे बिना मैं हो ही नहीं सकता। अतः मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान। हाँ शक्तिमान तो हूँ, किंतु मेरा शक्तिमान होना ही तो तुम्हारे होने का प्रमाण। यदि तुम न होती तो मैं तुम्हें शक्तिमान कैसे करूं। अतः हे शिवा, न तुम्हारे बिना मेरा रहना संभव है, न मेरे बिना तुम्हारा होना। और इस होने और ना होने के बीच क्या है? होने और न होने के बीच है जो होने वाला है। ओम के अंकुर स्वर के बीच। हे सर्वशक्तिमान, तो ये बताइए अब हम क्या करें? क्योंकि यदि आकार लिया है तब तो कर्म करना ही होगा। तो पहले कर्म की परिभाषा बनाएं। कर्म वो है जिसका परिणाम आनंद हो। और स्वयं आनंद क्या है? सभी कुछ बनाना पड़ेगा। सुख दुख आनंद प्रकाश अंधकार जीवन मृत्यु, इस शून्य को बनाना पड़ेगा। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। आरंभ अर्थात ना होने से होने का अंकुर फूटना आरंभ है शक्तिमान। तो एक और शब्द बनाए। आरंभ अकेला होने, आरंभ और अंत। तो इस नवीन शब्द अंत की परिभाषा? अंत की परिभाषा आरंभ बनाएगा। तो हे सर्वशक्तिमान, आरंभ का कार्य आरंभ करो जिससे मैं अंत का अर्थ समझ सकूं। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। एवं बहुशा। संपूर्ण वातावरण में व्याप्त शून्यता को भरने के लिए देवाधिदेव शिव और मां शिवा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं ग्रह नक्षत्रों की रचना की। तत्पश्चात स्वयं की रचाई गई आनंदपूर्ण इन रचनाओं के परमाणुओं में लय ताल, स्पंदन और गति को संतुलित रखने तथा सृष्टि में कल्याणकारी तत्वों का समावेश करने के लिए प्रथम 6 रागों भैरव, श्री, बसंत, मेघ, मल्हार व नट नारायण का सृजन किया। इसके उपरांत शिव शंकर व मां शिवा ने आदि नृत्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया। Thank you.
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम कौन है? हमारा जन्मदाता कौन है? यही प्रश्न हम भी कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे प्रकट हुए हैं, हमें किसने उत्पन्न किया है, हमारा कार्य क्या है, दायित्व क्या है। हमारे मन में भी ये इच्छा जागृत हो रही है कि हमारा कर्म और कर्तव्य क्या है। सर्वव्यापी चतुर्भुज श्री हरि विष्णु जी, कमल के आसन पर प्रकट होने वाले श्री ब्रह्मा जी, आप दोनों मुझ सदाशिव की सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही आपका जन्मदाता हूं। यदि अपने अन्य प्रश्नों के समाधान के इच्छुक हो तो इस ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कीजिए, मेरे स्वरूप में प्रवेश कीजिए, मेरे ओर छोर का पता लगाइए। आप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी हैं। ये ज्योति स्तंभ आप ही का स्वरूप है, तो हम इसमें प्रवेश करके इसके आदि अंत का अन्वेषण करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय आप ज्योति के नीचे छोड़ा संधान कीजिए और ब्रह्मदेव आप इसके ऊपरी छोर का पता लगाइए। अवश्य अवश्य श्री हरि। ईश्वर सदा शिव जी के ज्योति स्वरूप के आदि अंत का संधान करते हुए श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी की यात्रा निरंतर चलती रही। इस बीच समय का चक्र घूमता चला गया, कई युग बीत गए, परंतु श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के ज्योति स्तंभ के ओर छोर का पता नहीं लगा पाए। जल क्या, थल क्या, आकाश क्या अंतरिक्ष, जहां भी देखो वही आदेव श्री सदाशिव की ज्योति से माया का जिसका ओर छोड़ पाना असंभव है, असंभव। अंत में दोनों अपने प्रस्थान बिंदु की ओर मुड़े और एक स्थान पर उनकी भेंट हुई। ब्रह्मा जी, ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव अनादि अनंत हैं। तब तो हमें संधान यात्रा छोड़कर सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव से निरंतर करना होगा। हे अनादि अनंत सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, आपका ज्योति स्वरूप अपरमार है, हम आपके आदि अंत का पता लगाने असमर्थ हैं। हे ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, आप हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए। श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी, मुझसे ही उत्पन्न आप दोनों अब तक मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं हैं, अपरिचित हैं। मेरी ज्योति में पहुंचकर भी
आपके अंतर का अंधकार दूर नहीं हुआ। इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा सदाशिव जी? हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाने का उपाय बताइए महेश्वर सदाशिव जी। मेरे स्वरूप का दर्शन पाने के लिए अखंड रूप से मेरा ध्यान करते हुए आप दोनों तप कीजिए, तप ही समस्त कार्यों का साधन है। जो आज्ञा। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, अब हम तप करके ही आपको प्राप्त करेंगे। अवश्य महेश्वर सदाशिव जी, हम यही करेंगे। तप करने से आपकी दृष्टि निर्मल होगी और तब मैं साक्षात प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब आप दोनों तप में लीन होंगे।